हेलो, गुड मॉर्निंग. आई एम गोविंद कुमार सिन्हा, द टीचर ऑफ इंग्लिश. टुडे आई एम गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स द नाइन्थ चैप्टर ऑफ देयर ग्रामर बुक. एंड द टॉपिक इज एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन. तो अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो आप लोगों के लिए जारी किया है, जिसमें मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बहुत विस्तार से बताया है. साथ ही जो कंपैरिजन के डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव्स के, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, इसके बारे में भी चर्चा की है. अब यहाँ इस बुक में जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे. तो यहाँ आपको दिया हुआ है, वी हैव लर्न्ड दैट वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड and the superlative degree when more than two persons or things are compared. तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग तब करते हैं जब दो व्यक्ति या वस्तु में तुलना करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं. Then is used after the comparative degree. यानी कि जब हम दो चीज़ों के बीच तुलना करते हैं तो then लगाकर हम उसका प्रयोग करते हैं. जैसे राम is stronger than श्याम. तो यहाँ पर then जो comparative degree का adjective होता है उसके पहले then लगाते हैं और उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जिससे तुलना करते हैं उसका प्रयोग करते हैं. जैसे मैंगो इज बेटर देन ऑरेंज. तो बेटर के पहले देन लगा और ऑरेंज उसके बाद आया कि आम संतरा से ज़्यादा अच्छा है. तो इस तरह से कंपेरेटिव का होता है. और सुपरलेटिव डिग्री का जब प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम दो आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करते हैं, लेकिन अगर उसके पहले कोई पॉजिटिव आता है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. दिस इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री स्टेक्स. तो हमने देखा कि जो लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है वो अपने पहले आर्टिकल द को लिया. इस तरह से आगे फिर आप देखिए कि डू नॉट यूज द डबल कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव सच एज मोर बेटर एंड मोस्ट लवलीएस्ट. तो एक साथ दो कंपेरेटिव या दो सुपरलेटिव का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए, जो गलत होता है. जैसे बाली वॉज मोर स्ट्रॉन्गर, तो मोर भी कॉम्पेरेटिव हो गया और स्ट्रॉन्गर भी कॉम्पेरेटिव हो गया. तो इन दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा. सीधे हम कह सकते हैं वाली वॉज स्ट्रॉन्गर दैन सुग्रीव. तो एक ही बार इसका प्रयोग करेंगे. उसके बाद फिर दूसरा है, ही वॉज द मोस्ट ब्रेवेस्ट मैन ऑफ देम ऑल. तो मोस्ट भी सुपरलेटिव और ब्रेवेस्ट भी सुपरलेटिव. तो ये दो सुपरलेटिव एक साथ यूज नहीं होंगे. ही वॉज द ब्रेवेस्ट मैन ऑफ देम ऑल. तो इस तरह से ये करेक्ट यूज है जिसका हमको लोगों को ध्यान रखना होगा. उसके बाद फिर है कि नोट द यूज ऑफ ओल्डर एंड एल्डर, ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट. तो ओल्डर एल्डर, ओल्डेस्ट एल्डेस्ट में क्या डिफरेंस है इसका भी ध्यान रखना होगा. ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, यानी कि वह अपने बहन से ज़्यादा बड़ा है. हैरी इज माई एल्डर ब्रदर, हैरी मेरा बड़ा भाई है. ही इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास का सबसे सयाना बच्चा है. सतीश इज हिज एल्डेस्ट सन, सतीश उनका सबसे बड़ा बेटा है. तो इस तरह से ओल्डर एल्डर, एल्डेस्ट एल्डेस्ट का ध्यान रखना चाहिए. अ फ्यू कंपेरेटिव्स आर फॉलोड बाय टू इंस्टीड ऑफ देन. तो अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके आगे हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है बनिस्पत देन के. जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, ये सब जो शब्द हैं इनके पहले हमें टू लगाना पड़ता है. जैसे ही इज़ इन्फीरियर टू मी, ही इज़ सुपीरियर टू मी,
आपके बुक में भी दिया हुआ है, दिस क्लॉथ इज इन्फीरियर टू दैट, दिस पर्ल इज सुपीरियर टू दैट। तो इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इस सब में हम लोगों को टू लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ है, ही इज जूनियर टू अशोक, ही इज 5 ईयर सीनियर टू मी। तो इस तरह से सीनियर जूनियर में हम लोगों को टू लगाना पड़ता है बनिस्पत दैन के। फिर है, नोट केयरफुली हाउ टू यूज सच फ्रेजेज एज ओल्डर दैन, टॉलर दैन, एज ओल्ड एज, एज टॉल एज। तो यहाँ पर जो आपको एग्जांपल्स में दिया हुआ है, इनकरेक्ट, माय सिस्टर इज ओल्डर दैन मी। तो यहाँ पर होगा, माय सिस्टर इज ओल्डर दैन आई। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस मी है वो गलत है। यहाँ पर नॉमिनेटिव केस आई का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। उसके बाद है, अशोक इज एज ओल्ड एज मी। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस मी लगा दिया जो गलत है। यहाँ पर भी नॉमिनेटिव केस आई का ही प्रयोग होगा, अशोक इज एज ओल्ड एज आई एम। फिर यहाँ पर है, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट आर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउंस, लिटिल, लेस, लीस्ट आर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउंस। तो यहाँ पर है, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट जो है वो अनकाउंटेबल नाउंस के साथ यूज होते हैं, और लिटिल, लेस, लीस्ट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। अब आपका पहला एक्सरसाइज आता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, आपको उसका कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव देना है। तो राइट द एप्रोप्रिएट कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। तो पॉजिटिव में लाइट है तो इसका कॉम्पेरेटिव लाइटर होगा और सुपरलेटिव लाइटेस्ट होगा। यह एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो हमारे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो सिलेबल में बटे होते हैं, क्योंकि वर्ड का फॉर्मेशन वोवेल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से होता है। तो जहाँ पर वोवेल आते हैं वहाँ पर शब्द टूटते हैं और सिलेबल में बढ़ते हैं। तो जो सिंगल सिलेबल के वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होंगे, वहाँ हमें उसका बना बनाया ER और EST के साथ कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव मिल जाता है। लेकिन जो डबल सिलेबल होंगे, ट्राई सिलेबल होंगे, तो उनमें हमें मोर और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव और कंपेरेटिव बनाना पड़ता है। तो अब यहाँ आगे हम लोग इस पर देखें कि क्लेवर, क्लेवरा, क्लेवरेस्ट, शनि, शनियर, शनियस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, थिन, थिनो, थिनेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो इस तरह से इन सब शब्दों में आपने देखा कि सब में ESD लगाकर हम लोगों ने इसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाया। इसमें एक शब्द आ गया, गुड, बेटर, बेस्ट। इनका जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव है वो पूरी तरह अलग है। तो इस ऐसे शब्दों को भी चुनकर आप देखेंगे। फिर दूसरा है कि चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर फ्यूअर और लेस दिया हुआ है और इसमें से जो सही शब्द है उसका प्रयोग आपको खाली जगह पे करना है। तो अभी आपने देखा कि फ्यूअर और जो लिटिल है, लेस है, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस के साथ प्रयोग होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि रितेश हैज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स काउंटेबल है इसलिए फ्यूअर होगा। देयर इज लेस राइस, तो राइस अनकाउंटेबल है इसलिए लेस हो जाएगा। उसके बाद है देयर आर, फिर बॉयज है, तो बॉयज काउंटेबल है, गर्ल्स काउंटेबल है इसलिए यहाँ पर फ्यूअर हो जाएगा। देयर आर फ्यूअर बॉयज देन गर्ल्स इन दिस क्लास। फिर पॉकेट मनी है, तो मनी अनकाउंटेबल है इसलिए आई गेट लेस पॉकेट मनी देन यू। फिर उसके बाद वी हैव हैड फ्यूअर मैंगोज, मैंगोज काउंटेबल है इसलिए फ्यूअर हो जाएगा देन दिस ईयर।
दिस ईयर देन द लास्ट ईयर। उसके बाद है नो लेस देन 20 वर्कर्स, तो यहाँ पर लेस ही सही है, फ्यूअर नहीं होगा। उसके बाद है विच ऑफ यू मेड द लीस्ट नंबर ऑफ मिस्टेक, व्हाट इज द लीस्ट सैलरी यू विल एक्सपेक्ट, दिस प्ले हैज़ फ्यूअर कैरेक्टर्स देन द अदर प्ले, Among all the contributors, Shamaj was the least. Do you know who got the least marks? उसके बाद है February has less days than January. February has the least number of days. I'm sure I ate the least. तो इस तरह से आप इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह शब्दों का प्रयोग किया गया है, और आप इन सब चीज़ों पर एडजेक्टिव चैप्टर और डिग्रीज पर थोड़ा ध्यान देंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।